नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ये वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो मैंने कल आपको एक सीक्रेट बुक बताई थी उसको कैसे पढ़ना है, किसको खरीदना है, किसको नहीं खरीदना है, ठीक है, और कौन सी किताबें आपको जीके के लिए पढ़नी है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। वर्दी में मैं आपको इसलिए नहीं दिखाई दे रहा हूँ क्योंकि आज सैटरडे और आज मैं ऑफिस नहीं गया हूँ, कल ऑफिस जा रहा था इसलिए वर्दी में था। और वर्दी मुझे कोई शो ऑफ करने के लिए नहीं होती है, बस मैं इस पहन के बना दिया था इसलिए कि मैं जल्दी में था और उससे आप मोटिवेट भी होते हैं, और कोई दूसरा कारण नहीं था। दूसरा, मैं आपको एक और हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ 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 कमेंट में गंध ना फैलाया करें, उसमें थोड़ी सी सफाई रखें, गाली गलौज ना किया करें, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं उसको फ़िल्टर करता रहूँ, रिमूव करता रहूँ। ऐसा कमेंट करिए, इतना अच्छा कमेंट करिए कि मैं उस पर हार्ट देने के लिए मजबूर हो जाऊँ। ऐसा जेन्युइन डाउट पूछिए कि मैं उस पर रिप्लाई करने के लिए मजबूर हो जाऊँ, ठीक है? तो आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लूसेंट ऑब्जेक्टिव की किताब मैंने आपको बताई थी कि सारे क्वेश्चंस वहाँ से आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, सारे तो नहीं कह सकते लेकिन बिल्कुल वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और वो किताब बहुत अच्छी है क्योंकि उसमें अच्छे अच्छे एग्जाम्स के क्वेश्चंस कंपाइल्ड हैं। गड़बड़ सिर्फ यही है कि उसमें एरर बहुत है, तो उसको कैसे टैकल करना है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जान लीजिए कि किसको वो किताब नहीं खरीदनी है। जो लोग CGL 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनको वो बुक नहीं खरीदनी है क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपना पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लें, प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट कर लें और लूसेंट भी कंप्लीट कर लें। हाँ, अगर वो कंप्लीट कर चुके हैं अच्छे से तब वो खरीद सकते हैं, तब वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग सिलेबस के साथ साथ अभी तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं जुलाई और अक्टूबर में, उनको किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। ये किताब स्पेशली उनके लिए है जो CGL 2024 की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उनके पास समय बहुत ज़्यादा है और उनको अपना हर एक पॉइंट मजबूत करके चलना है कि CGL 2024 में गलती कहीं से ना हो और एक साल के अंदर अंदर आपकी नौकरी लग जाए। तो आपको कैसे पढ़ना है CGL 2023 वालों? आपको सिर्फ एक ये किताब लेनी है, मनोहर पांडे जी की, और ये किसी किताब का प्रमोशन नहीं है। मुझे जो किताबें अच्छी लगती है मैं आपको बताता हूँ। मनोहर पांडे जी की किताब लीजिए, आप उसे कंप्लीट नोट्स बनाइए, नोट्स नहीं भी बना रहे हैं तो उसे किताब में रंग रंग के पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पे करिए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर की कोई भी किताब ले सकते हैं, पिनाकल, किरण, और आपका राकेश यादव सर की भी किताब आती है, कोई भी किताब ले लीजिए जो भी आपको अच्छा लगता है, वहाँ पे उसको जाके प्रैक्टिस करिए, अच्छे से रट्टा मारिए। कमेंट में लोग पूछ रहे थे कि सर रट्टा मारे या समझ के पढ़े, भैया रट्टा मारो, घोल के पी जाओ एकदम उसको, समझे? समझ में आ गई बात किसको लेनी है और किसको नहीं लेनी है? जो CGL 2023 वाले हैं उनको नहीं लेनी है, उनको सिर्फ मनोहर पांडे जी की किताब और अपना प्रीवियस ईयर फोकस करना है। दूसरा, जिनको लेना है, जो CGL 2024 वाले हैं उनको लेना है, तो कैसे लेना है, कैसे है और पढ़ना कैसे है ये ध्यान रखिए। ले तो आप फ्लिपकार्ट अमेजन से कहीं से मंगा लीजिए, लेकिन पढ़ाई कैसे करना है ये ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको यही मनोहर पांडे जी की किताब पढ़नी है, नोट्स बनाना है, अच्छे से नोट्स बनाना है एक एक पॉइंट का। उसके बाद आपको अपनी सारे नोट्स को तैयार करने के बाद प्रीवियस ईयर पे प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और प्रीवियस ईयर पे प्रैक्टिस करने के बाद आपको जाना है लूसेंट पे, ठीक है। इतना करने के बाद लूसेंट पे इसलिए जाना है क्योंकि लूसेंट में एरर दिए हुए हैं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, सब कुछ प्रैक्टिस करने के बाद लूसेंट पे जाना है। लूसेंट पे जाएंगे तब आप कोई क्वेश्चन, आपको अगर गलत आंसर महसूस भी होगा, कन्फ्यूजन भी होगा, तो आप उसको 100 में से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे तो आप उनको गूगल से कोरोबोरेट करके सही कर सकते हैं। लेकिन ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है और CGL 2024 वालों आपको कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना सिलेक्शन के लिए, आपके पास बहुत बढ़िया टाइम है, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, जो भी परेशानी हो आप कमेंट कर दिया करिए, अगर बहुत ज़्यादा जेन्युइन प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम पे आके मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं क्योंकि मैं बहुत लोगों से फ़ोन पे बात करता हूँ, आप पूछ सकते हैं कमेंट में, क्योंकि मैं जेन्युइन हूँ, मैं आपको कुछ भी गलत नहीं बताता हूँ। आप मेरी पुरानी वीडियोज़ भी देख सकते हैं, जो मुझे सही लगता है मैं बताता हूँ और वो आपके लिए अच्छा ही होता है अल्टीमेटली। आपको आज नहीं हो सकता 4 महीने बाद समझ में आएगा, तो इसीलिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए और मेरा भी ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार दिखाने के लिए, चलता हूँ अभी, नमस्कार, जय हिंद। एक और बात, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की वीडियो इस हफ्ते में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, सारे सब्जेक्ट की, कौन सी किताब पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, ठीक है। एक बार फिर से नमस्कार, जय हिंद।